चैप्टर आठ देख रहे हैं ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन के सवाल और जवाब देखेंगे पहला है यू कैन शील चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्स बाय पुटिंग इट इनसाइड अ होलो कंडक्टर कैन यू शील अ बॉडी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाय मैटर बाय पुटिंग इट इनसाइड अ होलोस्फियर और बाय समीज सवाल में ये पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस है उससे आप बचा सकते हैं किसी भी चार्ज को अगर उसको आप किसी खाली कंडक्टर में डाल दें तो क्या ये काम आप ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है किसी बॉडी को बचाने के लिए कर सकते हैं तो उत्तर है नहीं जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है मैटर का वो आप किसी भी तरीके से रोक नहीं पाएंगे स्क्रीन नहीं कर सकते क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जैसे अभी इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात की गई सवाल इसी के लिए पूछा गया ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट होता है कोई भी मटेरियल बीच में आप क्यों ना रख दें यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इंडिपेंडेंट होता है वो तो चाहे आप कुछ भी बीच में रख दें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा खासतौर पर यह इंडिपेंडेंट है चाहे जो भी ऑब्जेक्ट का स्टेटस हो अगला है एन एस्ट्रोनॉड इन साइड स्पेस शिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी एक एस्ट्रोनॉट साहब है एक के अंदर वो ग्रेविटी नहीं पता कर पा रहे हैं या फील नहीं कर पा रहे हैं यदि जो स्पेस स्टेशन ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के अराउंड उसका बड़ा साइज हो तो क्या उनको ग्रेविटी डिटेक्ट होगी क्या वो ग्रेविटी फील कर पाएंगे छोटे स्पेस शिप से बड़ा कर दिया जाए इस स्पेस शिप को और भी आगे देख लेते हैं इफ यू कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दी अर्थ ड्यू टू सन टू दैट ड्यू टू मून यू विल फाइंड दैट दी सन पुल इज ग्रेटर देन मून पुल हाउ द टाइडल इफेक्ट ऑफ मून पुल इज ग्रेटर देन द टाइडल इफेक्ट ऑफ सन सवाल इस तरीके से है कि जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है वो मून से बहुत ज्यादा है लेकिन जो टाइड्स बनते हैं टाइडल इफेक्ट जो होता है टाइड का जो पुल है वो मून के द्वारा ज्यादा है ऐसा क्यों तो पहले एस्ट्रोनॉट साहब की बात कर लेते हैं अगर आपने स्पेस स्टेशन का साइज बड़ा कर दिया यदि जो साइज़ स्टेशन का बड़ा कर दिया तो एस्ट्रोनॉट साहब वाकई में डिटेक्ट कर पाएंगे अर्थ की ग्रेविटी के चेंज को तो साइज डज मैटर किस जगह पर वो है क्या उसका साइज है मास बेसिकली मास के बारे में बात हो रही है इसमें अब जब सन और मून के बारे में बात करेंगे अर्थ से रिस्पेक्टिव तो जो टाइडल इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करते हैं टाइडल इफेक्ट डिपेंड करते हैं इनवर्सली किसके डिस्टेंस के क्यूब पे डिस्टेंस के क्यूब पे यानी टाइडल इफेक्ट अगर मैं ई कहूं तो ये डिपेंड कर रहे हैं वन बाय अब आप देखिए क्यूब ऑफ डिस्टेंस आर क्यूब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है वो ग्रेविटेशन फोर्स डिपेंड करता है इनवर्सली वन बाय आर स्क्वायर पे और चूंकि जो दूरी है मून और अर्थ के बीच में वो कम है जो दूरी है सन और अर्थ के बीच में तो जो टाइडल इफेक्ट है मून का या मून के पुल का वो ज्यादा है इस रिलेशनशिप से आप समझ रहे होंगे जितना सन पुल दे रहा है उससे ज्यादा आपके मून का पुल है दूरी कम है चूज uh, चूज़ करना है इसमें आप हाइफन ये स्लैश देख रहे हैं इसका मतलब इनमें से आपको एक चूज करना है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डैश डैश यानी इंक्रीज डिक्रीज में एक चीज भरनी है विथ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड जैसी आप ऊपर की तरफ जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होने लगेगी तो इसका उत्तर है डिक्रीजेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डेप्थ जैसी आप डेप्थ अंदर की तरफ जाएंगे तो ये होगी क्योंकि आप जानते हैं सेंटर पे जाके ये जीरो हो जाती है यहां पर भी आप डिक्रीजेस डिक्रीजेस पर भी आप चूज करेंगे फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑफ मास बॉडी इसको चूज करेंगे चाहे कोई भी मास ऑफ बॉडी का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इस मास ऑफ बॉडी से इंडिपेंडेंट रहेगी फिर एक्सेलरेशन द फॉर्मूला माइनस दी जी एम एम वन माइनस आर वन माइनस वन बाईन हैस एकट दैन दमूला एम जी आर टू माइनस आर वी एन फॉर दोटेंशियल फॉर द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंटेंस अवे फ्रॉम देंटर ऑफ अर्थ तो इसके बारे में हम बात करते हैं पहली चीज तो देखिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी हाइट या किसी डेप्थ जब हम हाइट की बात करेंगे तो ऊपर की बात करेंगे डेप्थ की बात करेंगे तो नीचे की बात करेंगे तो जहां हम ये रिलेशन की बात करें तो हमारे पास कुछ रिलेशनशिप इस तरीके से आती है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी डेप्थ पे वो जी डीवल टू वन माइनस डी बाई आर ई जी है अब इससे क्लियर है आपका कि जो रिलेशन है ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसे ही आप डेप्थ की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होती है बस अगर आप देखें तो अगर सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंच जाए तो जैसे मैंने बताया जो ग्रेविटी है वो जीरो हो जाती है अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जहां पर हम अगर कहें कि भाई जी एम आर हमारे पास वैल्यू है तो यहां ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो मास से इंडिपेंडेंट होती है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मास तो इसीलिए यहां पर आपके मास की इंडिपेंडेंस है इस इंडिपेंडेंट ऑफ मास और ये आखिर की बात करें इस इस पार्ट की तो आप देखिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है दो पॉइंट्स आर टू और आर वन वो कैसे दी जाती है अगर आप मान लीजिए आर टू डिस्टेंस सेंटर वर्ड से आर टू डिस्टेंस पे है एक पॉइंट एक आर वन डिस्टेंस पे है जो सेंटर ऑफ अर्थ से तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वी आर वन है माइनस जी एम एम बाई आर वन ऐसी वी आपका डिफरेंस लेंगे पोटेंशियल एनर्जी का वी आर टू माइनस वी आर वन तो ये आपका आएगा इसको आप कॉमन ले लीजिए वन वन बाई आर टू माइनस वन बाय आर वन इसका मतलब जो फॉर्मूला है वो एक्यूरेट है रादर देन दिस वन तो इसके लिए मैंने बाकी तीन तो आपको यहां बता दिए एक जो

को रिवॉल्व करने का उस वो जो प्लानट हम एक मान रहे हैं एक इमेजनरी प्लानट वो ट्वाइस मतलब दो गुना तेजी से जाता है क्या ऑर्बिटल साइज होगा इसका अगर अर्थ से कंपेयर करें तो तो इसका उत्तर है लेस देन फैक्टर ऑफ जीरो पॉइंट सिक्स थ्री कैसे आया इसको देखते हैं पहली चीज जो समय लिया गया अर्थ द्वारा ताकि वो एक पूरा रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन जो सन के अराउंड कंप्लीट कर ले वो होता है आपका एक साल आपने कहा टी वन ईयर जो ऑर्बिटल रेडियस है अर्थ का उसकी खुद की ऑर्बिट में वो है आपका एक दिन एक अब जो टाइम लिया गया उस प्लेनेट द्वारा ताकि वो कंप्लीट कर सके वन रेवल्यूशन सन अब देखें कि उसकी स्पीड ट्वाइस है मतलब अगर ये एक ईयर में सन कंप्लीट कर रहा है तो ये क्योंकि ट्वाइस तेज भाग रहा है तो ये आधे समय में कंप्लीट कर लेगा कि आधे ईयर में ही कंप्लीट कर लेंगे। यहां पर हम जो ऑर्बिटल रेडियस है उस प्लैनेट का वो आरपी मानते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई चलिए हम एक यूनिट ये ले लेते ले, तो ये आपका आरपी मान लेते हैं, ये आपका ऑर्बिट ऑर्बिटल रेडियस है अर्थ का अपने अपने ऑर्बिट ऑर्बिटल रेडियस हो गया ये तो कैप्टर लॉ ऑफ जो तीसरा लॉ है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब ये हम यहाँ पर लगा, लगाते हैं तो आर पी बाय आर का होल क्यूब वो बराबर हो जाएगा टी पी बाई टी का स्क्वायर इससे हम लगा दें अब इस क्यूब को यहाँ अगर ले जाए तो टू बाई थ्री हो जाएगा तो आर पी आरपी क्या होगा टी पी बाई टी और टी पी बाई टी का रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है टी पी आधा है टी के तो टीपी जगह आधा टी लिख दीजिए टी टी कैंसल आउट हाफ की पावर टू बाई थ्री यानी जीरो पॉइंट फाइव की पावर टू बाई थ्री इसका मतलब है जीरो पॉइंट फाइव का स्क्वायर और उसका क्यूब रूट ये निकालना है आपको ये पॉइंट सिक्स थ्री आएगा जो ऑर्बिटल रेडियस है प्लेनेट का वो जीरो पॉइंट जो कि ये वैल्यू आ रही है वो कम रहेगा अर्थ के कंपेड में ये एक सैटेलाइट है जुपिटर का उसका ऑर्बिटल पीरियड करीबन इतना दिन दिया हुआ है जो रेडियस ऑर्बिट का वो तकरीबन इतना दिया है आपको बताना है कि जो मास है जुपिटर का वो वन बाय थाउजेंड टाइम है जो सन का है मास एक बटे हजार मास ऑफ सन तो ऑर्बिटल पीरियड इस Io या आई जीरो जो भी आप माने जो दिया हुआ है सवाल में वो आपको दिया हुआ है हम इसको टाइम ले लेते हैं क्योंकि ऑर्बिटल पीरियड मतलब टी टी जो इसका है वो वन पॉइंट सेवन सिक्स नाइन डेज है एक दिन में चौबीस घंटे होते हैं एक घंटे में साठ मिनट होते हैं एक मिनट में साठ सेकंड होते हैं तो ये हम इसको हमने इसको सेकंड में निकाल लिया जो ऑर्बिटल रेडियस है वो भी दिया हुआ है into 10 की पावर ये 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 भी हमने लिख लिया हो 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 गया ये टी हो गया ये आर हो गया अब सेटेलाइट जो ये जुपिटर का है वो जुपिटर के अराउंड घूम रहा है अब मास कैसे इसका निकालेंगे मास का हमारे पास एक रिलेशनशिप है एम फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय जी टी और ये इसकी वैल्यूज लेंगे हम जहां पर जो एम जे आप देख पा रहे हैं मास ऑफ ज्यूमिटर है एम जे सब जे इस लगा है कि जुमिटर का मास है जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है अब टाइम ये ये एक, एक रिलेशनशिप अब जो ऑर्बिटल पीरियड है अर्थ का कितना है एक बटी चौथाई दिन भी होता है थ्री सिक्सटी फाइव के साथ थ्री सिक्सटी फाइव पॉइंट डेज दे दिया थ्री सिक्सटी फाइव पॉइंट टू फाइव डेज एक दिन में चौबीस घंटे एक घंटे में साठ मिनट और एक मिनट में साठ सेकेंड ऑर्बिटल तो रेडियस जो अर्थ का हुआ वो हमको पता है कितना है वो 1.496 पॉइंट फोर नाइन सिक्स इंटू टें इलेवन इसको वन ए यू इस तरीके से लिखते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है वी नो अबाउट इट जो मास है सन का वो कैसे हम देंगे एमएस देंगे फोर पाई स्क्वायर आर ई क्यूब जी टी क्यूब अब हमारे पास दूसरी रिलेशनशिप भी आ गई ये रिलेशन और ये रिलेशन दो हमारे पास इक्वेशन आ गए इनको हम डिवाइड कर देंगे एमएस बाय एम जे कर देंगे यानी इसको पिछले वाले से डिवाइड कर देंगे जो जो चीज़ें हैं जो कांस्टेंट है वो तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो जी जी कैंसिल हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर कट कट जाएगा आर क्यूब टी स्क्वायर बचा यहाँ पर टी स्क्वायर आर क्यूब बचाइए अब ये हम निकाल चुके हैं ये हम निकाल चुके हैं ये हमें पता है ये हमें पता है सारी वैल्यूज रख दीजिए ये आर है ये दोनों आर है और ये टाइम हमने अभी अभी भी निकाले एक का वन पॉइंट सेवन सिक्स नाइन बताया गया था एक का थ्री सिक्सटी फाइव फुट डॉसाइड तो इनको डिवाइड कर लीजिए वन जीरो फोर फाइव आ जाएगा जो कि अप्रॉक्सीमेट हम ले सकते हैं हज़ार यहाँ पर हज़ार लिख सकते हैं तो एम एस विल बी वन थाउजेंड ऑफ एम तो हम ये बता सकते हैं कि जो मास ऑफ जुपिटर है वो वन बाय वन थाउजेंड है सन की अज्यूम कीजिए मानिए कि अब हमारी जो गैलेक्सी है उसमें इतने स्टार्स हैं हर एक का अज्यूम कर लीजिए कि एक सोलार मास है कितना स, कितना समय हाउ लॉन्ग विल अ स्टार एट अ डिस्टेंस दिस मच दूरी बताई गई है कितना समय एक स्टार जिसकी दूरी इतनी दी गई है फ्रॉम दी गैलेक्टिक सेंटर टेक टू कंप्लीट वन रेवल्यूशन गैलेक्टिक सेंटर से कितना समय लेगा ताकि एक रेवोल्यूशन वो कंप्लीट कर सके आपको डायमीटर जो मिल्की वे का लेना है वो तकरीबन इतना लेना है लाइटियर्स तो मास जो अपने अपनी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी की है वो यहाँ पर दिया हुआ है उसको हम डायरेक्ट ले लेंगे जो सोलार मास है सोलार मास वो मास ऑफ सन है हम जानते हैं मास ये आप, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए टू इंटू टेन की पावर थर्टी सिक्स अब मास हमारी जो गैलेक्सी का है टू पॉइंट फाइव इंटू पावर इलेवन ये सोलार मास है दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इस वैल्यू इस को इस वैल्यू से आपके पास ये के जी में आ जाएगा ये मास हो गया आपका डायमीटर क्या है मिल्की वे का जो कि यहाँ दिया भी हुआ है सवाल में टेन की पावर फाइव लाइट ईयर अब टेन की पावर फाइव इंटू टेन की पावर फाइव जो फोर है ये आपके पास रेडियस दिया हुआ है ये हमने इसको लिखा है ये कि पांच और टेन की पावर फाइव आपका लाइट ईयर ये, ये रेडियस है मिल्की वे का एक लाइट ईयर होता है कितने मीटर के बराबर नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू पावर फिफ्टीन मीटर ये भी हमें पता है तो आर कितना हो जाएगा इस लाइट ईयर में इस, इस लाइट ईयर की जगह ये रख दीजिए ये तो फाइव इंटू द पावर फोर और ये वैल्यू आ जाएगी यानी कि तकरीबन इतनी वैल्यू आ गई अब क्योंकि ये स्टार रिवॉल्व कर रहा है गैलेक्टिक सेंटर जो मिल्की वे का है तो इसका टाइम पीरियड किस तरीके से निकल के आएगा टाइम पीरियड हमारे पास है पाई स्क्वायर क्यूब ये रिलेशन हमें पता है राइट right? हमारे पास फोर पाई की वैल्यू है आर हमने देख लिया अभी जी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू ट्वेंटी माइनस सेवन मास हमने निकाल लिया सारी वैल्यू रखिए आपके पास इतना सेकंड आएगा एक ईयर होता है 365 सिक्सटी फाइव इंटू थ्री ट्वेंटी फोर तो एक सेकंड कितना होगा इसको इसके नीचे ले आइए एक सेकंड होगा इस इतने ईयर के बराबर तो इतना सेकंड कितना होगा ईयर में निकालना है इतना सेकंड कितना होगा ये इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट फाइव फाइव इंटू एट आ जाएगा कलेक्ट ऑल्टरनेटिव इसके चूज करने हैं यदि जीरो पोटेंशियल एनर्जी का इन्फिनिटी पे है और जो टोटल एनर्जी है एक ऑर्बिटिंग की वो नेगेटिव है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से तो आपको इस काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में एक चूज करना है हुँ? अगला है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस क्या ये मोर है लेस है मोर या लेस बताना है जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट सेम हाइट आउट ऑफ दर्थ इंफ्लुस तो पहली चीज तो यहां पर काइनेटिक आएगा और यहां पर आपका लेस आएगा कैसे जो पूरी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है सैटेलाइट की वो होती क्या है हमेशा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगी हाफ एम बी स्क्वायर में मास नेगेटिव हो नहीं सकता ये बी स्क्वायर आती है लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ ग्रेविटेशन के केस में यहाँ पर नेगेटिव होती है अब सवाल है इन्फिनिटी का इन्फिनिटी पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी सेटेलाइट की जीरो है तो जो अर्थ सेटेलाइट सिस्टम है ये एक बाउंड सिस्टम है टोटल एनर्जी सेटेलाइट की नेगेटिव ही रहेगी इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है किसी भी ऑर्बिटिंग सेटेलाइट की इन्फिनिटी पे वो बराबर होगी नेगेटिव उसके काइनेटिक एनर्जी की ये पहला हो गया अगला जो है वो ये देख रहे हैं एक ऑर्बिटिंग सेटेलाइट ये एनर्जी ले, लेता है एक्वायर करता है जिससे वो रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड घूमता है ये उसके ऑर्बिट से एनर्जी उसको मिलती है तो उसको कम थोड़ी कम एनर्जी चाहिए ताकि वो अर्थ के इन्फ्लुएंस, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर जा सके क्यों क्योंकि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है अर्थाव और सरफेस पे उसके पास कोई एनर्जी तो होती नहीं है इसीलिए जो क्वेश्चन कहा गया है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ अटेलाइट ऑब्जेक्ट एट द सेम हाइट आउट ऑफ अर्थ इन्फ्लुएंस डज द एस्केप स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी द लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन द हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च क्या एस्केप स्पीड बॉडी की इनमें से किसी पे डिपेंड करती है उत्तर समझिएगा सबसे पहले जो एस्केप वेलोसिटी है बॉडी की अर्थ से वो हम वीई से रिप्रेजेंट करते हैं वो अंडर रूट टू जी आर इसमें जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है आर आपका रेडियस ऑफ़ अर्थ अब इस इक्वेशन से क्लियर है कि जो एस्केप वेलोसिटी है उसमें कहीं मास तो आ नहीं रहा है तो मास से इंडिपेंडेंट हो गई डायरेक्शन भी नहीं आ रहा है प्रोजेक्शन का तो डायरेक्शन से भी इंडिपेंडेंट हो गई लेकिन ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे तो क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं जी आपका आ रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस पॉइंट पे उस पर डिपेंड कर रही है और क्योंकि जो पोटेंशियल अपने आप में मार्जिनली थोड़ा सा डिपेंड करता है हाइट पे तो इसके वेलोसिटी थोड़ा सा मार्जिनली कह सकते हैं लेकिन डिपेंड करती है इनफैक्टर पे तो डायरेक्शन और प्रोजेक्शन पे तो डिपेंड करती है मार्जिनली हाइट पे करती है लेकिन आप कहेंगे कि इस पे मास पे और दूसरी चीज जो लोकेशन है उस पे तो ये कहीं डिपेंड नहीं करती एक कॉमेट है जो ऑर्बिट कर रहा है सन के अराउंड और बड़ी हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट है क्या यह कॉमेट के पास कांस्टेंट लीनियर स्पीड होगी या कांस्टेंट एंगुलर स्पीड होगी कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम होगा कांस्टेंट एनर्जी कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी या कांस्टेंट टोटल एनर्जी इस पूरे ऑर्बिट पे आपको जो मास का लॉस है इस कॉमेट का वो निगलेट करना है जब ये बहुत करीब पहुंच जाता है सन के तो इसके उत्तर कुछ इस तरीके से है कि जो एंगुलर मोमेंटम है और टोटल एनर्जी है। हर एक पॉइंट पे ऑर्बिट के क्योंकि ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूम रहा है वहां ये कांस्टेंट होगी उसका लीनियर स्पीड एंगुलर स्पीड काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ये वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बाकी सारे नो है केवल ये और ये यानि कि एंगुलर मोमेंटम और आपका जो फाइनल वैल्यू है टोटल एनर्जी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी तो इसलिए ये ऐसे ये ऐसे यानी कि एंगुलर मोमेंटम और टोटल एनर्जी बाकी सब नो है विच ऑफ द फॉलोइंग सिमटम्स इज लाइकली टू एफ्लिक्ट एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस या effect कह सकते हैं जैसे सोलर फीट है सोलन फेस हेड एक यान प्रॉब्लम से कौन सी चीज इनको इफेक्ट करेगी इसमें उत्तर है सोलन फेस हेड एक और ओरियंटेशन प्रॉब्लम जब आप खड़े रहते हैं तो आपका जो पैर है वह आपके पूरे मास को संभालता है अगर ग्रेविटेशन पुल जो आ रहा है अर्थ का उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं जब आप स्पेस पे पहुंचते हैं तो एस्ट्रोनॉट को तो वेटलेसनेस होती है क्योंकि ग्रेविटी उसको बिल्कुल फील नहीं होती है इसका मतलब जो स्वॉलन फीट है अगर उनका जो पैर है या वो थोड़ा सा उसमें आप कहें कि वो फूल गया है स्वॉल स्वॉलन हो गया है तो वो उनको इफेक्ट नहीं करेगा पहली चीज तो ये होगी लेकिन स्वॉलन फेस है वो कब आता है ये तब आता है कि जब वेटलेसनेस अपरेंट वेटलेसनेस फील होती है स्पेस में जो हमारी सेंसरी ऑर्गन है जैसे आंख है कान है नाक है मुंह है ये आपके फेस पे होते हैं तो ये आपको इफेक्ट करेगा एस्ट्रोनॉट को इफेक्ट करेगा हेड एक मेंटल स्ट्रेन से आता है तो ये भी एस्ट्रोनॉट की वर्किंग पे इफेक्ट करेगा और ओरिएंटेशन की बात करें तो स्पेस में अलग-अलग ओरिएंटेशंस -अलग होते हैं ये भी आपके ओरिएंटेशन प्रॉब्लम भी इफेक्ट करे करेगी चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम अमंग दी गिवन वंस द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हैज डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो इसमें अलग-अलग एरो दिए हुए जैसे ये ए है बी है सी है और भी आपके पास डायरेक्शंस हैं इसमें से जो ग्रेविटेशन इंटेंसिटी है वो किस डायरेक्शन में है उत्तर है इसका आपका तीसरा अब ये कैसे आया मैं आपको बताता हूं जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है पहली बात तो ये कॉन्स्टेंट है सारे पॉइंट स्फेरिकल शेल की बात हो रही है जो तो, तो इसके कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेडियंट है यानी कि डीवी बाई डी आर यह आपका जीरो होगा अगर आप स्फेरिकल शेल के अंदर की बात करें तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रेडियंट है वो किसके बराबर होगा नेगेटिव ग्रेविटेशन इंटेंसिटी के तो जो इंटेंसिटी है वो जीरो होगी सारे पॉइंट पे जो स्फ़ेरिकल शेल के अंदर है इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो काम कर रहा है किसी पॉइंट पे एक स्फ़ेरिकल शेल पे वो सिमेट्रिक होगा यदि इसका अपर हाफ स्फ़ेरिकल शेल का आपने हटा दिया अगर उसको कट कर दिया तो जो नेट ग्रेविटेशन फोर्स जो एक्चुअल ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है पार्टिकल पे जो यहाँ पर सेंटर पे है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा क्यों क्योंकि जो ग्रेविटेशनल uh, इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट पे वो हम कैसे डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास उस पॉइंट पे तो वो कहां पे काम करेगा नीचे की तरफ काम करेगा यहां पर जो देख रहे हैं तो जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इस ओ पे या सेंटर पे काम कर रही है किसी हेमी शेल पे उसका डायरेक्शन सी थर्ड यानी कि इस डायरेक्शन में होगा करेक्ट ऑल्टरनेटिव आपको चूज करना है अब एक डायग्राम आपने देखा जो पिछले सवाल में था अब आपको बताना है डायरेक्शन क्या है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का कि कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट पी हो सकता है तो वो किससे रिप्रेजेंट करेगा डी ई e, एफ जी यानी कि अब यहाँ की यहां की बात हुई ये तो सेंटर की बात हो गई लेकिन अगर ये P है तो G डायरेक्शन में D डायरेक्शन में E डायरेक्शन में F डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में होगा आपका ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी तो इसका उत्तर है E डायरेक्शन में वो आप यहाँ पर दे, देख पा रहे हैं E डायरेक्शन में क्योंकि इसमें भी सेम ही डिस्कशन हमारा चलेगा कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो कॉन्सटेंट होता है कॉन्सेंट है सारे पॉइंट में स्फेरिकल शेल के तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट है डी वी डी वो जीरो होगा अगर आप स्फेरिकल शेल के अंदर की बात करें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो किसके बराबर होगा जो नेगेटिव ग्रेविटेशन इंटेंसिटी के इसका मतलब जो इंटेंसिटी है वो भी जीरो होगी हर एक पॉइंट पे अगर स्फेरिकल शेल के अंदर की बात करें तो ये बताता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो काम कर रहा है किसी भी पॉइंट पे वो स्फेरिकल शेल में सिमेट्रिक होगा लेकिन अब क्योंकि ये हेमीस्फेयर है यानी कि अपर पार्ट जो है वो जो 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 चला गया है आपने कटआउट कर दिया जो नेट ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा जो कि ई डायरेक्शन में होगा इस डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशन इंटेंसिटी है किसी पॉइंट पे उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं जैसे अभी हमने बताया फोर्स पर यूनिट मास उस पॉइंट पे तो किस काम पे किस जगह पे काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो जो ग्रेविटेशन इंटेंसिटी है किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट को ले लीजिए जो हेमिस्फेरिकल शेल पे है उसका डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में होगा ई e डायरेक्शन में एक रॉकेट है जिसको फायर किया, किया गया अर्थ से सन की तरफ से. क्या डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस डिस्टेंस एट फ्रॉम अर्थ सेंटर इज फोर्स ऑन रॉकेट जीरो किस डिस्टेंस पे जो अर्थ अगर अर्थ के सेंटर से निकाला जाए ग्रेविटेशनल फोर्स उस रॉकेट पे जीरो होगा मास सन इतना है मास अर्थ का इतना है आपको

जो सैटेलाइट पे काम कर रहा है वो जीरो होगा इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा अब जो ग्रेविटेशन या कहें कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है हम इस ग्रेविटेशन फोर्सेस जो काम कर रहे हैं उसको इक्वेट कर सकते हैं इस पी पे चाहे वो सन से काम कर रहा हो चाहे वो अर्थ से काम कर रहा हो तो हम कैसे करेंगे पहले समझिए हमको एफ वन या एफ इक्वल टू एफ एस करना है सन और अर्थ का फोर्स बराबर करना है ग्रेविटेशन फोर्स यहां से यहां तक दूरी आर है ये अगर x है तो ये आर माइनस एक्स होगा अब आप समझ गए एक बार हम एक्स लेंगे एक, 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 एक बार मास ऑफ तो सन इन्तु इन्तु मास ये मास एक बार ये लेंगे एक बार मास ये लेंगे तो g इंटू एम इंट मासनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और g इंटू एम इंटू मास ऑफ अर्थ एक्स ये मास बॉडी का है ये तो खैर हट जाएगा g भी हट जाएगा और बाकी आप आर एम माइनस एक्स एक्स निकालेंगे आपको ये दोनों वैल्यू पता है तो एक्स यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी जो कि टू पॉइंट फाइव नाइन इंटू दस की घात आठ है हाउ विल यू वे दिस सन दैट इज एस्टिमेट इट्स मास किस तरीके से आप सन का मास एस्टिमेट करेंगे जो मीन ऑर्बिटल रेडियस है अर्थ अराउंड द सन पृथ्वी का सन के रॉन वो ये संख्या है तो जो ऑर्बिटल रेडियस है आपका अर्थ अराउंड द सन वो इस हिसाब से मीटर में दिया हुआ है क्योंकि ये किलोमीटर में दिया है तो हमने टेन की पावर थ्री और इसमें लगा दिया जो समय लगता है अर्थ को पृथ्वी को सूरज सूर्य के का एक रेवोल्यूशन करने के लिए वो एक साल लगता है यानी कि थ्री सिक्सटी फाइव पॉइंट टू फाइव डेज यानी थ्री सिक्सटी फाइव पॉइंट टू फाइव चौबीस घंटे साठ मिनट और एक मिनट में साठ सेकेंड तो सेकेंड में इतनी संख्या आ जाएगी जी हमें पता है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट तो जो मास ऑफ सन है उसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे एम इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर आर क्यूब बाय जी टी स्क्वायर ये रिलेशनशिप हमें पता है ये सारी वैल्यू हम रख देंगे और टू इंटू ट्वेंटी पावर थर्टी ये मास ऑफ सन आएगा अर्थ ईयर जो सैटन पे एक साल होता है वो हमारे पृथ्वी के एक साल के ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव गुना होता है हाउ फार इज दैटन फ्रॉम द सन इफ द अर्थ इज दिस मच किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन तो सैटन कितना दूर है सन से यदि अर्थ की दूरी इतनी है तो इसको करने का तरीका इस तरीके से है कि हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है डिस्टेंस अर्थ का सन से इसको हम मीटर में बदल लेते हैं दस की घाट तीन से मल डिप्लाई कर लेते हैं ट्वेंटी पॉवर एट ट्वेंटी पॉवर इलेवन हो जाएगा अब टाइम पीरियड जो अर्थ का है वो टी ई रहते हैं और सैटन क्योंकि ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव टाइम्स है टीई के तो हम टाइम पीरियड जो सैटन का है उसको हम लिख सकते हैं ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव इन टू टी जो का सन से हम आर एस मान के चलते हैं अब जो कैपुलर साहब का थर्ड लॉ है प्लेनेटरी मोशन का तो अगर हम सैटन और सन को लें तो हम लिख सकते हैं दिस आर एस क्यूब बाय आर ई क्यूब इक्वल टू टी एस स्क्वायर बाय टी स्क्वायर अगर हमें आर एस निकालना हो तो कैसे करेंगे इसको यहाँ ले जाइए और ये क्यूब रूट आपको यहाँ लेना पड़ेगा तो आर एस विल भी इक्वल टू आर ई टी एस बाई टी टू बाई थ्री इस तरीके से आएगा वैल्यूज रखिए टी एस की जगह टू नाइन ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव टी रख दीजिए टी वैसे रहेगा ये दो कैंसिल होंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये दूरी आएगी सैटर्न और सन के बीच में एक बॉडी का जो वेट है वो सिक्सटी थ्री न्यूटन है जो अर्थ के सरफेस पे अगर नापा जाए तो कितना ग्रेविटेशन फोर्स उस पर अर्थ के कारण ड्यू फोर्स ऑन इट ड्यू टू अर्थ और अर्थ के कारण और हाइट उसकी बराबर है हाफ द रेडियस मतलब तो अर्थ के रेडियस के आधी जो हाइट है वहां पर आपको निकालना है तो वेट आपको दिया गया है 63 न्यूटन अब हम इसमें जो रिलेशनशिप यूज करेंगे वो है एच हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी अर्थ सरफेस से एच हाइट पे जो रिलेशन है वो हमारे पास ये है जी डैश इक्वल टू जी बाय प्लस एच बायर होल स्क्वायर जहां पर जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है आर ई ऑफ अर्थ है एच ये हाइट है और एच आपको हाइट दी हुई है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ मतलब आर ई टू ये दिया हुआ है तो एच आर ई टू दिया हुआ है इसको इसमें रख दीजिए और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्योंकि ये तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है फोर बाई नाइन जी आएगा अब वेट जो उस बॉडी का है मास है H है तो वेट है आपका एम जी लेकिन उस दूरी पे उस हाइट पे जी कितना हो जाएगा फोर बाय नाइन जी तो यहां रिप्लेस कर दीजिए फोर बाय नाइन इंटू एम जी की फोर बाय नाइन ऑफ वेट एम जी इज वेट यह क्या दियाई नाइन इंटू जाएगा आपको ये मानना है अज्यूम करना है कि जो अर्थ है ये एक स्फीयर है जिसका यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है बाकायदा इसको एक प्रॉपर शेप मानना है हाउ मच वुड अ बॉडी वे हाफ वे डाउन टू सेंटर ऑफ द अर्थ इफ इट वेटेड 250 न्यूटन ऑन द सरफेस कहने का तात्पर्य है कि अगर ये मान लीजिए सेंटर ऑफ द अर्थ है तो इस यहां पर कितना वेट होगा यदि सरफेस पे इसका वेट 250 न्यूटन दिया हुआ है तो इसके लिए भी हमारे पास रिलेशनशिप है पहले तो हम ये देख लें कि जो वेट है बॉडी का और सरफेस पे डब्ल्यू यानी कि एम जी टू फिफ्टी न्यूटन दिया हुआ है और ये जो डी है आपका यहाँ पर ये आर ई बाई टू है डेप्थ है वो आपको बताया गया कि आधी दूरी पे क्या होगा तो आर ई बाई टू जिसमें आर ई आपका रेडियस ऑफ अर्थ है अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हम डेप्थ पे जाते हैं तो वो इस इस रिलेशनशिप से दी जाती है जी डैश इक्वल टू वन माइनस डी बाई आर ई ब्रैकेट पे इन जी इस d की जगह आप आर बाय टू रख दीजिए और आर ई बाई टू जैसे रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं और आपका वन माइनस वन बाय टू और ये हाफ जी अब वेट क्या होगा इस बॉडी का डेप डी पे वेट होता है एम जी डैश क्योंकि जी डैश लेंगे इस जगह पे जी डैश काम करेंगे अब जी डैश तो हमारे पास जी बाय टू आ चुका है इसको g जी बाय टू रख दीजिए यानी एम जी हाफ एम जी हो गया हाफ डबू यहां पर 250 न्यूटन है तो यहां कितना होगा हाफ इंटू दो न्यूटन यानी कि आपका आएगा 125 न्यूटन एक रॉकेट को फायर किया गया वर्टिकली इसका स्पीड आपको दिया गया है पांच किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ सरफेस हाउ फार कितनी दूरी अर्थ से डज द रॉकेट गो बिफोर रिटर्निंग टू अर्थ कितनी दूरी तक ये जाएगा इससे पहले कि वापस आए मास अर्थ आपको दिया है मीन रेडियस आपको अर्थ का दिया हुआ है और जी भी आपको दिया गया है उत्तर है ये कैसे आया देखते हैं पहले तो ये है कि जो वेलोसिटी है रॉकेट की वो पांच किलोमीटर प्रति सेकंड दी हुई है किलोमीटर को टेन की पावर थ्री लिख देंगे यानी हम मीटर पर सेकंड में निकालना चाहते हैं अर्थ दे रखा है एम ई एम सब ई रेडियस ऑफ अर्थ आर सब ई भी दिया हुआ है अब मान लीजिए ये एच हाइट तक जाता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एनर्जी लेके आते हैं यानी कि टोटल एनर्जी जो रॉकेट की होगी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्र पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी एम ई एम बाई आर ई अब हाइएस्ट पॉइंट एच पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यानी कि यहाँ पर हाफ एमली स्क्वायर काम नहीं करेगा है ना तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी इतनी आ जाएगी कैसे आइए हाफ एम बी स्क्र को जीरो कर दिया मतलब वी को जीरो किया तो ये संख्या आ गई आपके पास ये रिलेशनशिप आ गई तो टोटल एनर्जी आपकी रॉकेट की और लॉ ऑफ कंजर्वेशन से क्या कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन से यह है कि टोटल एनर्जी जो रॉकेट की अर्थ सर्फेस पे होगी वही हाइट एच पे होगी तो हम क्या करेंगे इसको और इसको इक्वेट कर देंगे दोनों को इक्वेट करेंगे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे ताकि हम इसको वी स्क्वायर और इसमें जो 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 कटिंग हो सकती है क्योंकि ये दोनों समान है इसको यहाँ लेके आएंगे थोड़ा सा इसमें कैंसिल आउट भी होगा तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गई लेकिन हम जानते हैं कि ग्रेविटी जो कि जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर होता है इसको हम यहां पर इस जगह पे रख सकते हैं तो अब इसलिए हमने इसको जी रख दिया अब वी स्क्वायर आर ई प्लस मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ये वाली हम रिलेशनशिप लगा रहे हैं और यहाँ पर ए की जगह जी रख रहे हैं एच की s की जगह हम एच रख रहे हैं और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर आर ई प्लस एच की जगह हम टू इंटू जी यानी टू इंटू जी ये टू जी टू इंटू जी यहाँ रख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू इंटू जी इंटू एच टू जी एच और आर ई e आपका है तो वी स्क्वायर इंटू आर ई क्या हो जाएगा अगर इसको हम इक्वेट करें और इस ये वी स्क्वायर आर ई को रखें वी स्क्वायर एच को यहाँ लें तो इससे एच निकाल सकते हैं वी स्क्वायर आर ई बाय टू जी आर ई माइनस वी स्क्वायर अब ये हमने क्यों किया उसका कारण ये था कि ये सारी वैल्यूज हमें पता है ये सब वैल्यू हम रखेंगे हाइट अप की वन पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटी पॉवर सिक्स मीटर आएगी थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है इसमें बस ये ध्यान रखिएगा तो जो हाइट इन्होंने अचीव की क्योंकि हम हाइट जो लेंगे वो हम यहाँ से लेंगे रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच यानी सिक्स पॉइंट फोर इंटू ट्वेंटी टू पावर सिक्स में ये जो हाइट आई है इसको हम ऐड करेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आठ इंटू टेन की पावर सिक्स मीटर आ जाएगा जो एस्केप स्पीड है प्रोजेक्टाइल की सरफेस ऑफ अर्थ पे वो इतनी है इलेवन पॉइंट टू अंडर टू जी से आती है जो बॉडी है उसको प्रोजेक्ट किया गया थ्राइज दी स्पीड मतलब जितनी स्पीड है उससे तीन गुना स्पीड से आपको इसको प्रक्षेपण किया गया भेजा गया वट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी फार अवे फ्रॉम अर्थ तो दूरी पे काफी दूरी पर स्पीड क्या होगी बॉडी की आपको सन और बाकी प्लान है इसको इग्नोर करना है तो वेलोसिटी वेलोसिटी वी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो प्रोजेक्शन है प्रोजेक्टाइल की वीपी वो थ्री इंटू वे स्केप क्योंकि तीन टाइम दिया हुआ है तो इसका इसका तीन गुना हो जाएगा मास ऑफ प्रोजेक्टाइल हम ले रहे हैं जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की वो दूरी पर हम एफ मानते हैं वी एफ अब जो टोटल एनर्जी है प्रोजेक्टाइल की अर्थ पे क्या होगी हाफ एम वीपी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्केप स्क्वायर ये टोटल एनर्जी होगी आपकी हमने इसमें क्या किया कि वी पी यानी प्रोजेक्शन वेलोसिटी एक तो ले ली और साथ में स्केप वेलोसिटी इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपका टोटल एनर्जी जो अर्थ पे होगी अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर दु, बहुत दूरी की बात करें तो अर्थ से वो जीरो होता है तो टोटल एनर्जी दूरी पर क्या होगी केवल हमारे पास हाफ एम वी एफ स्क्वायर होगी इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं

ट कर रहा है हाइट इसकी चार सौ किलोमीटर दी हुई है सर्फेस से अर्थ के सर्फेस से कितनी एनर्जी जो आप इस रॉकेट को देंगे एक्सपेंडेड टू रॉकेट द सेटेलाइट टू रॉकेट द सेटेलाइट आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से ये चला जाए मास मासेलाइट का दिया हुआ है 200 सौ मास अर्थ का दिया हुआ है रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट दिया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट दिया हुआ है तो मास ऑफ अर्थ आपको एम है कैपिटल एम लेंगे मास ऑफ सेटेलाइट स्मॉल एम है लेते हैं रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास है ऐसे ही जी आपके पास है हाइट आपको दी गई है चार किलोमीटर इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं यानी दो जीरो यहाँ पर है टेन की पावर थ्री करेंगे तो पाँच जीरो हो जाएंगे यानी जीरो पॉइंट फोर इंटू टेन की पावर सिक्स मीटर लिख सकते हैं इसको अब जो टोटल एनर्जी है सेटेलाइट की हाइट एच में क्या होगी एक तो हाफ एम बी इसको होगी जो कैनेटिक एनर्जी है साथ में पोटेंशियल एनर्जी जो कि माइनस जी एम ई बाय बाई आर ई प्लस एच से दिया जाता है जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है सेटेलाइट की वो कैसे ली जाती है अंडरवुड जी एम ई बाय आर ई प्लस एच तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई इसकी टोटल एनर्जी आपकी कितनी वैल्यू हो गई वह होगी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हम ये रख देंगे ये वाली वैल्यू और ये तो खैर है ही तो कुल मिला के इतनी संख्या आ गई इसको हम माइनस करेंगे तो ये संख्या आ गई तो नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है कि जो सेटेलाइट है ये बाउंड है अर्थ से यानी कि इसे हम बाउंड एनर्जी कहते हैं तो हमको जो एनर्जी इसको ऑर्बिट से बाहर निकालने की फेंकने की होगी वो माइनस ऑफ बाउंड एनर्जी होगी इसका मतलब आप माइनस ऑफ माइनस इसका निकालना चाह रहे हैं ना कहने का तात्पर्य यह है जो आपका आया इसका माइनस साइन हटा देंगे इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको बाहर निकालने की तो इतनी ही इसको प्लस में आपको देनी पड़ेगी इसकी वैल्यूज यहां पर रख देते हैं ये जी एम ई है ये आर ई है जो वैल्यूज हमारे पास है जो हमने पहले देखी वो यहाँ पर रखेंगे मास दो सौ दिया हुआ है इसका तो यहां पर 5.9 10 की पावर 9 जूल इसका उत्तर आएगा दो स्टार हैं और दोनों का जो सोलार मास है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ये अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को हेड ऑन मतलब यहां से एक आ रहा है यहां से एक आ रहा है व्हेन दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 109 किलोमीटर जब ये 109 किलोमीटर दूरी पर है उनकी स्पीड जो है वो नेगलिजिबल है व्हाट इज द स्पीड विद विद विच दे कोलाइड अगर ये आपस में टकराते हैं तो क्या स्पीड होगी जिससे कोलाइड करेंगे जो रेडियस है दो दोनों स्टार का वो मतलब हर एक स्टार का 104 किलोमीटर दिया है आपको एज्यूम करना है कि जो स्टार्स है वो टकराने के बाद अनडिस्टॉर्टेड रहते है या हैं यानी कि टूटते फूटते रहिए तो जो मास है इंडिविजुअल स्टार का वो ये दिया हुआ है रेडियस आपको दिया हुआ है दस की घात चार किलोमीटर यानी कि दस की घात ट की पावर सेवन राइट और ये टेन की वन ज़ीरो फोर नहीं है ये है टेन की पावर फोर इस तरीके से ये टेन की पावर नौ नहीं वन जीरो नाइन नहीं है टेन की पावर नाइन किलोमीटर है ओके okay? इस तरीके से मान के, के चलिए जो डिस्टेंस दिया है स्टार्ट के बीच में आर आपको दस की घात नौ दिया हुआ है दस की घात नौ और दस की घात चार को हम मीटर में चेंज करेंगे तो टेन की पावर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके आगे अब नेग्लिजिबल स्पीड यानी कि वी इक्वल टू तो जीरो के लिए जो टोटल एनर्जी क्या होगी जब वो आठ डिस्टेंस पे यहाँ से आते तक इनकी कि डिस्टेंस है तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस माइनस जी एम इंटू एम मतलब दोनों का मास एक है इसे दोनों का मास एम mm एम लिख दिया बाय आर अब इन्होंने बताया कि यहां पर वेलोसिटी जीरो है जब वो इस दूरी पे है तो ये इस संख्या को हम जीरो कर सकते हैं यानी माइनस जी एम एम बाय आर अब जब ये कोलाइड कर रहे हैं तो मान लीजिए वेलोसिटी वी है तो डिस्टेंस क्या हो गया जब ये कोलाइड करेंगे ये आर है ये आर है यहां से सेंटर तक तो डिस्टेंस कितना हो गया टू आर अब टोटल एनर्जी क्या हो गई आप कर देंगे माइनस जीएम आर और यहां पर आर आएगा आपका टू क्योंकि बीच में टू आर यानी कि टोटल एनर्जी दोनों स्टार्स की कितनी होगी एम बी स्क्वायर प्लस माइनस जीएम ये दोनों चीज आ गई आपकी ये वाली लेकिन ये जो चीज है ये फाइनल है ये इनिशियल है तो इसके साथ हम इक्वेट कर देंगे दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी से ये जो जोड़ जो आपने लिया इसको आप पिछले एनर्जी से इक्वेट कर देंगे और थोड़ा सा इसको बीस पर निकालने के लिए बाकी चीज को इधर ले आएंगे एह तो खैर कैंसिल ही हो जाएगा एक बाकी सारी वैल्यूज रख के आप देखेंगे कि वेलोसिटी आपकी 2.58 मीटर पर आएगी दो हैवी स्फेर है जिनका मास सौ के जी दिया हुआ है रेडियस आपको जीरो मीटर दिया है ये एक मीटर दूर रखे पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स और पोटेंशियल उनके पे जो कर रही है, uh, पे, sphere, होगा. अगला है इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इन इक्विलिब्रियम कोई ऑब्जेक्ट अगर उस जगह पे रख दे तो क्या इक्विलिब्रियम में होगा यदि इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उस इक्विलिब्रियम स्टेबल या अनस्टेबल है यानी कि अगर इक्विलिब्रियम में भी है तो क्या ये स्टेबल है अनस्टेबल है, है तो कुछ किस, किस तरीके से आएगा इसका मैं बताता हूं आपको उत्तर तो खैर ये है सारे ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से दी हुई है एक मीटर इनकी सेंटर से दूरी है पॉइंट वन मीटर इनका जो है रेडियस है एक्स यहां से आ तक हमने इस पॉइंट पे ये कहा कि भाई हमें निकालना है तो जो मास है दोनों स्फेयर का वो आपको सौ के जी सेपरेशन इनके बीच में दिया हुआ है एक मीटर एक्स हमारा एक मिड पॉइंट है इनके बीच में स्पेयर के ग्रेविटेशन फोर्स इस पॉइंट पे जीरो होगा क्यों क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिट किया गया है ये इधर कर रहे हैं ये इधर कर रहे हैं तो अगर सेंटर पॉइंट ले तो वो जीरो होगा जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है इस पॉइंट पे वो क्या होगा देखिए है माइनस जीएम बाई आर बाई इसके लिए आर बाय टू अगर हम बोले ये आर बाय टू और ये आर बाय टू तो माइनस जीएम बाई आर बाई टू और माइनस जीएम बाई आर बाय टू दोनों को जोड़ दिए तो तो माइनस फो, फोर जी एम बाईर जीएम आर बाई टू जी एम बाई आर बाई टू आर बाई टू कम हो जाएंगे ऑलरेडी हम फोर ऊपर ले गए वैल्यूज रखेंगे जी एम और आर की जो कि हमको संख्या में दी हुई है वह तो हम यार देंगे तो इतनी वैल्यू जूल प्लस के जी आ जाएगी कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्स पे रखा जाए वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा लेकिन ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा वाई इक्विलिब्रियम अनस्टेबल क्यों है क्यों क्योंकि कोई भी पोजीशन चेंज हुई इन ऑब्जेक्ट की तो जो इफेक्टिव फोर्स है या डायरेक्शन है उसका चेंज हो जाएगा इसलिए ये अनस्टेबल रहेगा एक जियो ऑर्बिट करता है अर्थ को उसकी हाइट है करीबन छत्तीस हजार किलोमीटर सरफेस से अर्थ के सरफेस से कितनी पोटेंशियल एनर्जी वॉट इज दोटेंशियल पोटेंशियल निकालना है एनर्जी नहीं क्या पोटेंशियल जो अर्थ ग्रेविटी द्वारा एट दिस साइड ऑफ दिस सैटेलाइट मतलब कितना पोटेंशियल अर्थ ग्रेविटी के कारण उस सैटेलाइट पे होगा आपको पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो माननी है मान अर्थ का दिया है रेडियस दिया हुआ है तो जो डिस्टेंस है सैटेलाइट का सेंटर ऑफ अर्थ से क्या होगा आर ये आपका रेडियस है अर्थ का और ये 36000 किलोमीटर मतलब 64 कहने का मतलब है कि इसका डिस्टेंस कितना होगा ये प्लस ये ये है आपका यहां से यहां तक 6400 6400 यहां से यहां तक है 36000 तो दोनों को जोड़ दीजिए आपका करीबन इतना आ जाएगा की पावर अब क्योंकि मैंने कहा पोटेंशियल की बात करनी है पोटेंशियल है माइनस जी एम आर जी आपको पता है, युनिवर्स, मास आपको दिया गया है और आपको आर भी आपने निकाल लिया दोनों तीनों को रख दीजिए आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी एक स्टार है जो 2.5 टाइम्स इसका जो मास है वो सन के मास से एंड कोलैब्स टू साइज ऑफ बारह किलोमीटर रोटेट स्पीड ऑफ वन पॉइंट टू रेवल्यूशन एक्सट्रीमली बहुत uh, star, जो इस होते हैं, इनको हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं सर्टेन स्टेलर ऑब्जेक्ट कॉल पलसार्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी कैटेगरी में आते हैं विजन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन इट्स इक्वेटर रिमेन्स टू इट सर्फेस ड्यू टू ग्रेविटी क्या ऐसे जो ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए इनके इक्वेटर पे कोई चीज को रख दिया गया तो ग्रेविटी के कारण वो चिपक के रहेंगे मास ऑफ सन आपको ये निकालना है दिया गया है तो देखिए एक्सिलेशन ड्यू टू तो ग्रेविटी जो स्टार के कारण है उसको हम लिख सकते हैं जीवल टू तो जी एम बाई आर स्कवायर यहाँ पर मास जो है एम जो है मास है आर जो है रेडियस ऑफ स्टार है अब जो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है इस बॉडी पे मास जो इक्वेटर पे काम करेगा वह है एम वी स्क्वायर बा आर ठीक ये आपका अब आर की जगह वी की जगह आप आर ओमेगा लिख सकते हैं अब इस इक्वेशन से ये वाली जो इक्वेशन ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ से एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम निकाल सकते हैं जी हमें पता है मास हमको पता है और आपके पास ये आर भी पता हुआ है है तो ना बारह किलोमीटर आपने टेन ट्वेल्व इंटू टेन के पावर थ्री लिख दिया और ये हमारे पास ऑलरेडी है मास ऑफ सन और इन्होंने बताया है कि ये टू पॉइंट फाइव टाइम्स टू तो पॉइंट फाइव टाइम्स कर दिया इसका तो यहां ये आपकी ग्रेविटी आ गई अब जो इनवर्ड फोर्स है ग्रेविटी के कारण इस बॉडी पे जिसका मास है वो क्या होगा एम इंटू ये टू पॉइंट ये जो आपकी वैल्यू आई मास इंटू देखिए ये तो एक्सेलरेशन है ना बेसिकली एक्सीन है तो एम जी करते हैं ग्रेविटी एक्सेशन टू ड्यू टू ग्रेविटी है एम इंटू जी हम यहाँ कर देंगे तो मास के साथ हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे लेकिन जो आउटवर्ड सेंटिकल फोर्स जो अभी हमने बताया वह एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर एम बी स्क्वायर वर वी की जगह हमने आर ओमेगा रखा तो एम आर ओमेगा स्क्वायर अब क्योंकि हमारे पास मास है आर भी दिया हुआ है बारह इंटू टेन की पॉथि क्योंकि कि किलोमीटर में है मीटर में चेंज कर दिया ओमेगा की जगह हम क्या कर रहे हैं ओमेगा की जगह हम ये कर रहे हैं कि क्योंकि यहां पर हमको वन पॉइंट टू रेवोल्यूशन पर सेकेंड दिया हुआ है रेवोल्यूशन पर सेकेंड और इसको हमको बदलना है हम जानते हैं कैसे बदलते हैं इसको क्योंकि ये ओमेगा है इसको रेडियन में चेंज करना है तो यहाँ पर हमने इसको रख लिया और चेंज कर दिया सबको सॉल्व किया तो कुछ इस तरीके से आ गया इसका मतलब जो इनवर्ड फोर्स है ग्रेविटी के कारण उस बॉडी पे इक्वेटर पे स्टार के ये करीबन 2.2 मिलियन टाइम ज़्यादा है जो आउटवर्ड सेंटिफिकल फोर्स है इसका मतलब ये है कि उस स्टार उसके सरफेस पे स्टार के सरफेस पे कोई भी बॉडी जो है वो चिपक के रहेगी एक स्पेसशिप है वो स्टेशन है मार्स पे कितनी एनर्जी इसको दी जाए एक्सपेंडेड टू द ऑन स्पेसशिप रॉकेट इट आउट ऑफ सोलार सिस्टम तो कुछ चीज़ें आपको दी गई है इसमें मैं इसको इस तरीके से बताता हूँ पहली चीज तो है कि हम इस आर को जो आर आ, इसको माने कि जो रेडियस है ऑर्बिट मार्स का आर डैश हम मानते हैं रेडियस मार्स का जो एम है वो मास सन का लेते हैं एम डैश मास मार्स का लेते हैं यदि एम ये मास है स्पेसशिप का तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्पेसशिप की सन के ग्रेविटेशन के कारण होगी वो होगी माइनस जी एम एम बाय आर पोटेंशियल एनर्जी जो स्पेसशिप की होगी जो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन मार्स से हो रहा है क्योंकि हमने डैश लिया इसके लिए तो माइनस जी एम डैश एम बाय आर डैश और क्योंकि जो कनेटिक एनर्जी स्पेस शिप की जीरो है इसका मतलब जो टोटल एनर्जी क्या होगी स्पेस शिप की ये और ये इसको आप जोड़ दीजिए माइनस जी कैपिटल एम एम बाय आर माइनस जी एम डैश एम बाय आर इसको जोड़ेंगे तो जो एनर्जी जरूरत है वो क्या होगी एनर्जी जो जरूरत है स्पेस शिप में जो सोलर सिस्टम है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ स्पेस शिप यानी माइनस ऑफ माइनस इतनी ही तो जरूरत होगी तो ये जो चीज है इसको रखिए प्लस करिए इसको क्योंकि इतनी ही जरूरत होगी सारी वैल्यूज डालिए हमारे पास सारी वैल्यूज दी गई है और आपका इतना करीब दूर आ जाएगा एक रॉकेट है जिसको फायर किया गया वर्टिकली कहां से सरफेस ऑफ मार्स से इसकी स्पीड दी हुई है दो किलोमीटर पर सेकेंड यदि बीस प्रतिशत इसकी इनिशियल एनर्जी लूज हो जाती है आपके मार्शल एटमोस्फेरिक्स रेजिस्टेंस के कारण तो हाउ फार विल द रॉकेट गो फ्रॉम दी सर्फेस ऑफ द मार्स बिफोर रिटर्निंग तो कितना दूर दूर जाएगा इससे पहले कि वो वापस आ जाए मास मार्स का दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है और जी दिया हुआ तो है आपको तो देखिएगा कि इनिशियल कैनेटिक एनर्जी इसकी हाफ एम बी स्क्वायर है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम एम बाई आर ये हमें पता है एम हम स्मॉल एम मानते हैं मास ऑफ रॉकेट कैपिटल एम है मास ऑफ मार्स आर है रेडियस ऑफ मार्स तो टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी होगी इनको आप जोड़ दीजिए ये आपकी इनिशियल एनर्जी होगी अब 20% प्रतिशत एनर्जी लॉस हो जाती है इसका मतलब केवल 80% प्रतिशत एनर्जी बचती है यानी 80 बाय 100 बचती है तो कितना हुआ ये कितना हो गया इसका 80% प्रतिशत यानी कि 80 बाय 100 ऑफ 1/2 एम वी स्क्वायर यानी कि ये कितना होगा 4/5 तो 4/5 1/2 एम वी स्क्वायर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ये रखेंगे तो ये 0.4 एम वी स्क्वायर माना जीएम बार अब जब रॉकेट एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा इसका मतलब है कि जो एच हाई पे पहुंचेगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो जाएगी तो केवल पोटेंशियल एनर्जी बचेगी यानी कि माइनस जी कैपिटल एम एम बाई आर प्लस एच क्योंकि एच दूरी पे जा चुका है तो ये जो पिछली हमने निकाली थी एनर्जी और ये जो बात की ये वाली है इसको हम इक्वेट कर देंगे अब जो इक्वेट करेंगे तो थोड़ा सा इसका रीअरेंजमेंट करेंगे क्योंकि ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ रीअरेंजमेंट हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से ये एच की संख्या में लाए और एच की संख्या में लाने के बाद कुछ ऐसा आएगा और जो जो वैल्यू हमें पता है आर वी जी एम आर वी ये सारी चीज यहाँ रखेंगे फोर फाइव किलोमीटर आ जाएंगे तो ये सवाल जवाब हुए ग्रेविटेशन के बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी आप सभी की